एनटीए के खिलाफ हम पूरा एक्शन लेंगे और जो भी अगर कोई भी क्लू मिलता है हमको तो हम तुरंत ही एनटीए पे एक्शन लेंगे। हमें न्याय मिल जाए, कैसे मिलेगा ये हम नहीं बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी जो फैसला आता है उसपे हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि सही करेंगे। आप लोगों के अगर आप लोगों ने क्या क्या इश्यूज रखे थे, क्या एक बार हमने कहा कि रीनीट करवाया जाए और जो है उसके क्या नाम सीबीआई इंक्वायरी हो एनटीए पे और मतलब जो 1563 बच्चों वाला सिस्टम है ग्रेस मार्किंग वाला पक्का नहीं है कि इतने ही बच्चों का है और बच्चों का भी हो सकता है और क्या कि जो ओएमआर में है तो और रजिस्ट्रेशन फीस को थोड़ा सा कम किया जाए और ओएमआर में जो मतलब बच्चे लास्ट में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उस चीज को बाद में अपना लिख के जाए कि मैं इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ताकि बाद में कोई ओएमआर से छेड़छाड़ ना की जा सके। आपके नंबर कितने आए थे और आपका व्यक्तिगत जो इशू है क्या था? 627 मार्क्स है क्योंकि रैंक बढ़ गया बहुत ज्यादा तो हमें कॉलेज मिलने की कोई संभावना नहीं बचती है तो इसलिए हमें कॉलेज मिल जाए इसलिए आप दोबारा। लेकिन आप ये बताइए अभी मंत्री जी से हम दो लोग मिले, हम और ये मिला और मेरे पापा मिले। ये बताइए कि आप सीबीआई जांच किया? उन्होंने कहा है कि हाँ हम उस सीबीआई जांच करवाएंगे और एनटीए पर पूरा फोकस करेंगे। मैं प्रयास करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट की तरह पे जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में मामला है और कोशिश है कि एनटीए को बक्सा नहीं जाएगा। अगर क्लू मिलते हैं क्लू की जांच कर रहे हैं हम लोग और अगर क्लू मिलते तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग बाकी छात्रों से कहेंगे कि अभी प्रदर्शन जो है स्थगित करें या क्या कुछ ऐसी भी चर्चा हुई है क्या? ये भी कहा कि आपके जो मन में आए तो मैं स्वतः तो वादा करके आया हूँ, मैं आपके भरोसे पे जा रहा हूँ क्योंकि आपने जो मुझे आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा तो आपके न्याय मिलने के शब्द पे मैं भरोसा करता हूँ। ये मैं शिक्षा मंत्री पर भी नहीं करूंगा तो किस पे भरोसा करूंगा, इसलिए मैं उनके भरोसे से मैं स्वतः एज ए कन्नौज से आया हूँ, मैं आज वापस चला जाऊंगा। मेरा नाम हरिओम दुबे है, हरिओम दुबे, मैं यूपी कन्नौज से आया हूँ। जी जी नहीं, मैंने तो परमिशन के लिए ग्रांटेड किया था। मुलाकात की है मंत्री जी से, क्या बात हुई? उन्होंने कहा है कि हाँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व किया जाएगा, हम एनटीए पे भी पूरी कार्रवाई करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा फैसला सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा हम उसको पूरी तरह से मान्य करेंगे और किसी भी मतलब तरीके की दिक्कतें नहीं रहेंगी। सीबीआई जांच के संदर्भ में हाँ उन्होंने कहा कि एनटीए के खिलाफ हम पूरा एक्शन लेंगे और जो भी अगर कोई भी क्लू मिलता है हमको तो हम तुरंत ही एनटीए पे एक्शन लेंगे। मंत्री जी की मुलाकात से खुश है जो उन्होंने आश्वासन दिया? हाँ बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। मैंने आपको भरोसा है कि जो होगा न्याय होगा? हाँ बिल्कुल, न्याय होना चाहिए होगा। आपके बच्चे ने यहाँ पे एग्जाम? हाँ हाँ जी, एग्जाम दिया था। अच्छा, आज मंत्री से जब ये मुलाकात हुई तो मंत्री जी के सामने आपने क्या मुद्दा? मैंने यही कहा सर हमको न्याय मांगने आए, हम लोग को प्रदर्शन करने नहीं आया है, हम एप्लीकेशन पीआईएल नहीं दायर कर सकते हैं, भाई इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम लोग आपको इसलिए बनाते हैं कि आपके माध्यम से न्याय मिले। हर आदमी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग क्षमता नहीं है, हम लोग प्लेटफॉर्म पे लेटने के समय बिताने वाले हैं और आप हमें विपक्ष का कहते तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। हम सिर्फ आपसे न्याय मांगने के लिए आए हैं, हमें न्याय मिल जाए, कैसे मिलेगा ये हम नहीं बता पाएंगे। तो उनका सुप्रीम कोर्ट में कई पटिशन है, उसके द्वारा आपको न्याय जरूर मिलेगा और एनटीए ने अगर क्राइम किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग पे जांच कर रहे हैं, निरंतर खबरें मिल रही है और भरोसा देते हैं तुम्हें न्याय मिलेगा। तो क्या आप लोग का प्रदर्शन जी? मैं स्वतः तो प्रदर्शन के हमारे पास 50-60 बच्चे साथ में आते हैं तो हम लोग तो बच्चों से कहेंगे भाई भरोसा दिया है तो भरोसा जब कोई देता है तो भरोसा को माना जाना चाहिए। नहीं ये नहीं दिया, कहा 8 तारीख को इस पर ही जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट आपके हित में नहीं जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति का नहीं होता है, वो आपके सबके हित में ही कार्य करेगा, भरोसा दिया है।